सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, किस तरह ये बार बार ध्यान दिला रहे हैं संत कि एक जो डर होते हैं अंदर से, जो एक निकलते हैं उससे भ्रम भी बनते हैं, और फिर वो भ्रम किस तरह एक शांत हो पाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से हो पाते हैं कि कैसे एक मनुष्य अगर आया है तो अकेला ही आया है, और अपनी मृत्यु के बाद भी इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला है। तो बस ये जो बीच का पैच जिंदगी है, इसमें रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो वो एक साथ जब लगता है कि है किसी का, तो फिर वो भय मन में भी आता है कि अब अगर ये साथ छूट गया तो फिर मन में डर आ रहा है। पर साथ ही अगर हम इसको इस तरह देखें कि मन में ये बात आनी कि सबका साथ है, पर ये सब लोग जो इस संसार में हैं संगी साथी, ये तो फिर एक माया का रूप ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी हाथ छोड़ ही देना है। तो कैसे हमें अपने मन को भी उस तरह पूरा पक्का बनाना है कि आज के जनरेशन में ये देखा गया है कि मोनोफोबिया टर्म भी बहुत आ रही है कि अकेले रहने का डर, खास करके जो यूथ हैं कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ता है, और अगर कोई इंटरनेट नहीं, कोई गैजेट नहीं, तो वो बहुत ही अपने आप को बेचैन फील करते हैं। और साथ ही एक वो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे लगता है कि हमारी लाइफ के अलावा हर एक के लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। लगता है ओ कोई नए आर्टिस्ट ने कोई गाना निकाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, तो मन की बेचैनी आनी, या कोई नई मूवी आ रही है उसका ट्रेलर निकल गया है, मेरे सब दोस्तों ने देख लिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल ऐसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर बात तो वही है, ज़िंदगी सबकी उसी पर आधारित अगर रखें इस निरंकार पे, तो कितनी स्थिर होगी। नहीं तो हाल हमारा भी वैसा कि एक कहानी है जो बंदर मटके में पानी भरा हुआ था और झांक के देख रहा था नीचे मटके में, तो एक पेड़ पे लटके अंगूर उसको दिख रहे थे और उसको लग रहा था कि ये मटके के अंदर पड़े हैं, वो कभी अपना हाथ डाले, कभी अपना मुंह अंदर डाले, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो कैसे ये बस एक रिफ्लेक्शन थी जो ऊपर अंगूर की जो उसके उस गमले में आ रही थी, पर ये इल्यूजन ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना, और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। तो किस तरह हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ये जो निराकार है उस पे आधार रखे, अपना विश्वास रखे, फिर स्विमिरन से भी एक बहुत ही शांति, एक स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ हमें हटाने होंगे, एक पॉजिटिविटी लानी होगी, और जो सबसे बड़ी बात कि ऐसे हमें अपने लाइफ में एक कंटेंटमेंट की बात रखनी कि ये ना लगे कि जो है वो अधूरा मिला है, क्योंकि जब ये निराकार पूरा है, इसने हमारी जीवन में हमको सब कुछ पूरा ही दिया है जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है। तो अगर ऐसा हाल है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि निराकार ने हमें वो नहीं दिया जो हमारे को मिलना चाहिए था, तो ऐसे सोचकर ये नादानी तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत उचित है। तो कैसे हमने अपने जीवन में से ये भय हटाने हैं, ये भ्रम हटाने हैं,
और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म से जुड़ना है। जिस तरह अवतार वाणी में भी वो लाइन आती है कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, ढल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा, कि कैसे हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है कि जो क्षण भंगुर है, जो हिलने वाली चीज़ स्थिर नहीं, वो ही अगर अपने आप में उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहेंगे तो उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है। और उसके बेस पे अगर हम अपना अपने आप को एक बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने भी डगमगाना ही है। तो कैसे हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को सच मान लेते हैं तो अंदर से सिर्फ रोने और कुल्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो जैसे वही बात, फिर ये मिथ्या, ये दुख, उसको होते हुए भी उसको ऊपर एक स्थिति उसके आ सकते हैं जो एक आनंद की अवस्था, कि दुख को भी दुख को ना माने। तो कैसे फिर अवतार वाणी में ये दर्जित है कि जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रेंदी कोई भुख नहीं, कि कैसे एक हमारे अवस्था कि वो दुख हो सुख हो, वो सब हमें इस निरंकार के भाणे में रहने के समय में उस पेन को, वो दुख को उस तरह एक फीलिंग नहीं आती, ये मान के कि निरंकार द्वारा ही जीवन में ये आया है, तो हम उससे बहुत जल्दी उभर पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे को फिर बहुत टेम्पररी लगती है। और कैसे फिर कंटेंटमेंट की कोई भूख भी नहीं कि कुछ करना, हाँ लाइफ है, एक कर्म करने हैं। वो कर्मों के लिए नहीं कह रहे कि रुक जाना है, पर एक जो ये लालच होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी बहुत होड़ में आ जाते हैं हम एक, तो उसके लिए जो वो वाली भूख है एक ग्रीड की तरफ जाते हुए इंडिकेट करती हुई, कि कैसे वो लालच वाली भूख खत्म हो जाती है, एक बिल्कुल हम कंटेंट अपने होकर उस तरह की स्थिति को आ जाते हैं। तो आगे की लाइनों में जैसे लिखा है, जगदा मालिक याद होवेंदा होंदा हर कम पूरा है, कि कैसे इस निराकार का किया सब पूरा, तो उसमें हमारे ही मन की स्थिति, अपनी मन की अवस्था ये कि हमारे अनुसार नहीं है, जचा नहीं काम, तो हमें वो पूरा नहीं लगता, हमें लगता है ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। तो वही बात कि जगदा मालिक याद होवे ता कायर बंदा सूरा है, कि कैसे फिर एक फिर से डर की ओर यहाँ आते हुए कि कायरता, ये जो डरपोक जिसको कहते हैं, कि कायर बंदा भी बलवान हो जाता है जब इस निरंकार का एहसास होता है। तो कैसे जो हमारे को ये लग रहा होता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं, या कोई भय हमारे अंदर हमें ऐसे काट रहा होता है जो हमें कोई अच्छा कर्म करने से रोक रहा होता है, तो जैसे ही ये निराकार याद आता है, इसका स्मरण होता है, तो फिर एक जो बल मिलता है, ये मन को मजबूती मिलती है, तो फिर वही व्यक्ति जो एक समय कुछ चंद पलों पहले कायर, वो अब इतना सूरमा, इतना बलवान कि सारे कार्य अच्छी तरह अपने कर रहा है। तो यही कि कायर व्यक्ति भी अब बलवान है, क्योंकि उसको याद आ गया कि करता तो यही है, करने वाला ये है, हमारा शरीर एक बस इंस्ट्रूमेंट की तरह, ये प्रभु जिसने हमें ये शरीर दिया, वो जैसे चलाए वैसे उसके रंग में रंग कर ही चलना है। और आगे की लाइंस भी कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है, कि कैसे एक मृत्यु जो हमें आती है, शरीर को आनी ही है सबकी एक ना एक दिन, तो जितना समय हम जीवित हैं उस डर में ना जिए कि हमारी मौत कब आएगी, हमारी ये प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना है, तो कैसे मौत आने से पहले हम ना मरें, उससे पहले जीते जी अपनी जिंदगी इतनी सवार लें कि बस एक प्यार हमारे मन में, हर एक के साथ हम मिलनसार होके उनके लिए हमारे अंदर से अच्छाई निकले, अच्छी बातें निकलें, कैसे हम
अपने लिए भी एक ग्रोथ की ओर बढ़ते रहें, अपने आप को भी एक दलदल में, एक वेब में जैसे फंसाते हैं वैसा ना करें, अपनी ग्रोथ करते जाएं, तो ये मौत का भय भी हमारा मिट जाता है, क्योंकि ये दातार, ये निराकार जिससे हम आए हैं, मौत के बाद भी हमें उसी में मिलना है, तो फिर डर किस चीज़ का? ये शरीर और आत्मा ये तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। शरीर कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निराकार की है, इसी से आई है, ज्ञान प्राप्त करके इसी में वापस जाना है, तो कोई उम्र या सालों की वो मोहताज नहीं। तो कैसे ये जब बात याद आती है कि निराकार ही सब कुछ है, तो फिर ये लास्ट लाइन जो इसी शब्द की कि कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद ना आंदा है, कि जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु, इस निराकार, इस मालिक का भी हमें चेता होता है, याद रहता है। क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि ज्ञान याद तो निराकार याद, निरंकार के एहसास में है तो ज्ञान पे चल रहे हैं, ये उत्प्रोत जो बात है। तो फिर अगर हम यही भूल जाएं निराकार को, तो फिर हमें एक ज्ञान होने के बावजूद भी ये मालिक भूल गया, तो फिर ये ज्ञान अपने मन में बसा कर रखें। ये ज्ञान ऐसी दौलत है कि ज्ञान के ऊपर अपने ज़िंदगी को चलाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। अपने कर्मों द्वारा अपने कर्मों की खुशबू हर एक तक लेकर जाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। तो कैसे हमें अपने मन के सारे भय, जब ये बात याद आती है कि दातार है, निराकार है, तो भय वहीं ख़त्म हो जाएंगे, और जो भी हमने एक भ्रमों की ओर अपने आप को एक फंसा के रखा है, वो सारे भ्रम भी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि कैसे जीवन में एक सिर्फ और सिर्फ आनंद की अवस्था के ऊपर वर्क करते हुए इस निराकार से जुड़कर हमेशा एक अपने दिल से परोपकार की भावना रखते हुए, जब इतने पॉजिटिव काम होंगे करने को, ये दिमाग भी कहीं नेगेटिव तरीके पे नहीं चलेगा, कहीं वो डरों को हमारे अंदर घर नहीं करने देगा, क्योंकि इंस्टिंक्टिवली एक फियर होना कि अचानक हम कमरे में आए हैं और कभी बच्चा भी कोई छुपन छुपाई खेलने वक्त एक डरा देता है, तो एक शरीर का एक रिफ्लेक्स, वो डरना वो पल की चीज़ है, पर एक भय में हमेशा रहना, उसको हम काट ज़रूर सकते हैं इस ब्रह्म ज्ञान से। तो कैसे हम एक अपने मन को और साफ करते जाएं, अपने मन के अंदर जितना ठहराव ला सके इस सिमरन द्वारा, तो दातार कृपा करे हर एक का जीवन इसी रूप में निरंकार के ऊपर आधारित होते हुए सत्संग की शिक्षाओं पे अपने चरित्र को और मजबूत बनाते हुए आगे से आगे चलते रहे। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।